हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अल्फा ब्लैक। मैं हूं आपका दोस्त कुणाल और आज हम कंपेयर करेंगे मिड रेंज स्मार्टफोन के तीन दिग्गजों को, जो कि है सैमसंग गैलेक्सी A70, पोको F1 और हुआवे P30 लाइट। पर उससे पहले हमारा सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन जाए जब भी हमने कोई न्यू वीडियो अपलोड करें। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं डिज़ाइन और डिस्प्ले की। तो सैमसंग गैलेक्सी A70 प्लास्टिक डिज़ाइन के साथ आता है। फ़ोन को ग्लास रिफ्लेक्टिव फिनिश दिया गया है जो इसके लुक को काफ़ी स्टाइलिश बनाता है। इसके साथ ही फ़ोन का बैक पैनल पर ही ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। डिस्प्ले की बात करें तो फ़ोन में 6.7 इंच का सुपर एमोलेड फुल HD स्क्रीन दी गई है। डिस्प्ले के ऊपर में इन्फिनिटी U डिज़ाइन का नॉच भी मौजूद है। पोको F1 का भी बैक पैनल प्लास्टिक डिज़ाइन वाला है। शाओमी ने इस फ़ोन का प्रीमियम केवलर आर्म्ड एडिशन भी उपलब्ध कराया है और फ़ोन के बैक में दिया केवलर ब्लैक फिनिश फ़ोन के लुक को और बेहतर बना देता है। पोको F1 में 6 इंच का फुल HD डिस्प्ले दिया गया और साथ ही स्क्रीन के ऊपर में नॉच भी मौजूद है। यूज़र चाहे तो इस नॉच को डिसेबल भी कर सकते हैं। बात अगर हुआवे P30 लाइट की करें तो फ़ोन वाटर ड्रॉप नॉच के साथ फुल स्क्रीन डिस्प्ले के साथ आता है। फ़ोन के रियर पैनल पर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। फ़ोन का डिज़ाइन ग्लास बॉडी होने के कारण काफ़ी प्रीमियम लगता है। जहां तक फ़ोन के डिस्प्ले की बात है, ये फ़ोन 6.15 इंच के फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले के साथ आता है, प्लस 5 MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। सेल्फी के लिए फ़ोन के फ्रंट में 32 MP का सेंसर दिया गया है। दूसरी तरफ पोको F1 में 12 MP और 5 MP के ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है। बेहतरीन फोटोग्राफी के लिए इस फ़ोन में कई मोड दिए गए हैं। सेल्फी के लिए फ़ोन में शाओमी ने 20 MP का कैमरा उपलब्ध कराया है। बात अगर हुआ वे P30 लाइट की करें तो इसमें 24+8 MP प्लस 2 MP वाला ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। फ़ोन के फ्रंट में सेल्फी के लिए 32 MP का सेंसर मौजूद है। प्रोसेसर, बैटरी और मेमोरी की अगर बात करें दोस्तों, तो सैमसंग गैलेक्सी A70 में शाओमी रेडमी नोट 7 प्रो और वीवो V15 प्रो वाला स्नैपड्रैगन 675 प्रोसेसर दिया गया है 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। 6 GB रैम और 8 GB रैम के ऑप्शन उपलब्ध कराता है फ़ोन। जरूरत पड़ने पर फ़ोन की मेमोरी को 512 GB तक बढ़ाया जा सकता है। फ़ोन को पावर देने के लिए इसमें 4500 mAh की बैटरी दी गई है। फ़ोन की बैटरी को जल्दी फुल चार्ज किया जा सके इसके लिए फ़ोन के साथ 25 W का सुपर फास्ट चार्जिंग फीचर के साथ आता है। पोको F1 की अगर बात करें दोस्तों, तो इसमें स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है इस सेगमेंट में। इसको अभी तक कोई भी बीट नहीं कर पाया है। फ़ोन में 6 GB की रैम और 64 GB वेरिएंट, साथ ही 6 GB रैम 128 GB वेरिएंट और 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज वेरिएंट में आता है। पोको F1 में 4000 mAh की बैटरी दी गई है। हालांकि ये फ़ोन फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ नहीं आता है, लेकिन इसके फुल चार्ज होने में 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त लग जाता है। हुआवे P30 लाइट की अगर बात करें दोस्तों, तो इसमें 4 GB और 6 GB रैम के वेरिएंट के साथ आता है। फ़ोन की मेमोरी को ज़रूरत पड़ने पर 128 GB तक बढ़ाया जा सकता है। फ़ोन में 18 W के चार्जिंग सपोर्ट के साथ 3340 mAh की बैटरी दी गई है। प्रोसेसर की बात करें तो हुआवे ने इसमें अपना लेटेस्ट स्मार्टफोन ऑक्टाकोर प्रोसेसर क्रीन 710 प्रोसेसर दिया गया है। कीमत की अगर बात करें दोस्तों, तो सैमसंग A70 भारत में क्या कीमत होगी इसका भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि सैमसंग इस फ़ोन को भारत में 25,000 रुपये के आसपास की कीमत के साथ लॉन्च कर सकता है। पोको F1 की अगर हम यही बात करें, तो इसका सबसे बेस वेरिएंट जो 6 GB रैम 64 GB स्टोरेज मॉडल के साथ आता है, उसकी शुरुआती कीमत 18,000 रुपये है। दूसरी तरफ हाल ही में लॉन्च हुए हुआ वे P30 फ़ोन का 4 GB 128 GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट आपको 19,990 रुपये। तो अगर इन तीनों फ़ोन को कंपैरिजन करें और अगर आप हमारा वर्डिक्ट मानेंगे, तो सैमसंग गैलेक्सी A70 में बहुत ही अच्छा डिस्प्ले है। अगर आपको अच्छा डिस्प्ले वाला फ़ोन खरीदना है, तो आपको सैमसंग गैलेक्सी A70 खरीदना चाहिए। अगर आप परफॉर्मेंस और गेमिंग को लेकर ज़्यादा गेमिंग के आप पबजी खेलना पसंद करते हैं मोबाइल पर और चाहते हैं कि आपके फ़ोन एक अच्छा परफॉर्मर हो और कैमरे में स्लोनेस ना हो जरा भी, तो 845 प्रोसेसर जिसमें गूगल कैमरा मोड आप लोग यूज़ कर सकते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा पोको F1 आप ख़रीद सकते हैं। और अगर आपको अच्छा डिज़ाइन वाला फ़ोन चाहिए, हालांकि जिसमें अगर आप EMUI 9.1 के साथ, जो कि मुझे इतना पसंद नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों को पसंद आता है
तो आप लोग अच्छे डिज़ाइन के लिए हुआवे P30 लाइट खरीद सकते हैं। तो फाइनल वर्डिक्ट, अगर आपको अच्छा डिस्प्ले चाहिए तो आप सैमसंग गैलेक्सी A70 खरीद सकते हैं, अच्छा प्रोसेसर बैटरी चाहिए तो आप पोको F1 ले सकते हैं, और अगर आपको बढ़िया डिज़ाइन वाला हाथ में दिखने वाला अच्छा फ़ोन चाहिए तो आप हुआवे P30 लाइट खरीद सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को।